हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ अपनी इस वेल्डिंग मशीन का। आप देख सकते हो इसे, ये IVL कंपनी की वेल्डिंग मशीन है। ये है IVL M220 मॉडल है इसका। 220 एम्पेयर में आती है ये, आप आगे से लोग देख सकते हो इसका। ये मैं लगभग इसे 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मतलब एकदम इतनी अच्छी क्वालिटी है और मतलब एक नंबर है बिल्कुल। और साइज़ में ये बहुत ज़्यादा छोटी है उस हिसाब से, आप देख सकते हो। मेरी ये दोनों हैंड है, इसे कवर कर रहे हैं आराम से। ये 2 साल की वारंटी के साथ आती है। आपको इसके साथ ये वायर वगैरह भी मिलते हैं, ये इसके वायर। हाँ, एक इसमें थोड़ी सी कमी है, इसमें ये जो वायर है ना, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये मतलब 220 एम्पेयर के लिए ये वायर करेक्ट नहीं है। मैंने देखा इसके वायर, मतलब जब 220 एम्पेयर पर चलाते हैं तो सिर्फ वायर के लिए हीट करते हैं, बाकी मशीन एक नंबर है। सिर्फ वायर अपन चेंज कर सकते हैं आगे चल के। और इसके साथ गॉगल्स भी आए हैं, जो गॉगल्स में आपको देखा था फोन देखते हैं, इसके साथ ये गॉगल्स भी आए थे। लेकिन ऐसा है कि इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसमें जो मेन चीज़ है अपनी ये वेल्डिंग मशीन, इसकी क्वालिटी एक नंबर रही है। ये अच्छे से काम करती है, लो वोल्टेज पे भी और हाई वोल्टेज पे भी बढ़िया से वर्क करती है। प्लस इसमें अपन यहाँ से फोर्स और एम्पेयर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत आप इसमें स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो आप, ये क्या लिखा हुआ। और इसमें जो वारंटी वगैरह है वो मैंने रजिस्टर कर दी थी। इसमें वारंटी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो। बाकी ऐसा है कि इसकी प्राइस अगर आप जानना चाहो तो इसकी प्राइस लगभग 6800 की थी उस टाइम, तब मैंने परचेज़ की थी। बाकी अभी मुझे मतलब पता नहीं है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गई हो तो। अभी जो मार्केट में वेल्डिंग मशीन्स अवेलेबल हैं उनकी प्राइस 7-8 थाउजेंड के आसपास होती है। लेकिन ऐसा है कि उनमें वो लोग वारंटी भी नहीं देते, प्लस वो चाइनीज़ होती है। ये केरला की कंपनी है, आप जानते हो शायद, IVL कंपनी। और इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऐसा है, मैं इसका रिव्यू दे रहा था 6 मंथ बाद कैसा है, कैसी वर्क कर रही है। इसकी क्वालिटी एक नंबर है आज भी, और इतना बढ़िया काम कर रही है ये अभी भी। वेल्डिंग मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई है, बाकी गॉगल्स वगैरह इन सब में है दिक्कत, लेकिन ये चीज़ें छोटी मोटी हैं। मेन चीज़ है वेल्डिंग मशीन, ये अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा है कि अभी मैंने इसकी भी नहीं खोली है, मतलब इसे मैं नॉर्मल बड़े से बोर्ड में लगा के इस्तेमाल करता रहता हूँ। इस वेल्डिंग का वायरिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख ही सकते हो। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और कोई भी जानकारी कम रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सब बता दूंगा इसके बारे में सारी नॉलेज। ठीक है, बाय।